हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं मूवी और सीरीज की तब से आई हुई बहुत ज्यादा तगड़ी अपडेट और न्यूज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप एज ऑलवेज अपडेट और न्यूज को मिस करना नहीं चाहते तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले और लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हमारी फर्स्ट अपडेट आ रही है सेक्स एजुकेशन के सीजन 4 की तब से, जिसमें कि सेक्स एजुकेशन के सीजन 4 की फिल्मिंग अभी चल रही है और आगे भी 1 से 2 महीने चलेगी। तो इस हिसाब से सेक्स एजुकेशन के सीजन 4 की फिल्मिंग पूरी तरह से अक्टूबर के मंथ में खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस सीरीज का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा और इसके सीजन 4 के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में बहुत ज्यादा हेवी वीएफएक्स ना होने की वजह से इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बहुत ज्यादा जल्दी यानी कि 4 महीने के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन आ जाते मेन पे कि सेक्स एजुकेशन का सीजन 4 हमें कब देखने को मिलेगा। तो सेक्स एजुकेशन का सीजन 4 आपको नेटफ्लिक्स पे 2023 के मई या फिर अप्रैल के मंथ में देखने को मिल सकता है। तो आगे अगर इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड अपडेट, तो जिसमें मैं विक्रांत रोना की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर बात करने वाला हूँ। तो विक्रांत रोना मूवी आपको ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन बात करें इसके ZEE की रिलीज डेट को लेकर, तो विक्रांत रोना के क्रिएटर और ZEE स्टूडियो के बीच में 35 दिनों की डील हुई है। यानी कि विक्रांत रोना मूवी जैसे ही अपने सिनेमा रिलीज के 35 दिन कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपको ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आपको विक्रांत रोना मूवी ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर सितंबर के सेकंड वीक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये 100% श्योर है कि आपको सितंबर के मंथ में ही ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे विक्रांत रोना मूवी देखने को मिलेगी। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को हो सके तो सिनेमा हाउस में जाके ही देखें, क्योंकि अगर आप इस मूवी को घर पे बैठ के देखोगे तो आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना सिनेमा हाउस में आएगा। तो मेरी सजेशन तो आपको इस मूवी को सिनेमा हाउस में जाके ही देखने की रहेगी ना कि घर पे, क्योंकि विक्रांत रोना का सिनेमा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है और कई वर्षों के बाद कोई ऐसी मूवी आती है जो सिर्फ सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए ही बनी होती है, जो कि नो डाउट विक्रांत रोना मूवी उसी मूवी की कैटेगरी में आती है। तो हो सके तो जरूर से विक्रांत रोना मूवी को आप सिनेमा हाउस में जाके देखे, और अगर बाई चांस विक्रांत रोना मूवी आपको सिनेमा हाउस में छूट जाती है तो आज नहीं तो कल आपको ओटीटी पे देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट अपडेट, तो जिसमें मैं सैंडमैन के सीजन 2 के बारे में बात करना लो। तो सैंडमैन सीरीज का सीजन 1 रिलीज होने से पहले ही सैंडमैन सीरीज के सीजन 2 की स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट हो चुका था। तो इस हिसाब से बात करें कि सैंडमैन का सीजन 2 हमें कब देखने को मिलेगा, तो अभी इसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है, उसके बाद इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट होगा जिसकी शूटिंग में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे। उसके बाद सीजन 2 का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा जिसके पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सैंडमैन के सीजन 2 में भी सीजन 1 की तरह बहुत ज्यादा हेवी VFX और बहुत ही ज्यादा हेवी CGI होते हैं और उन्हीं सभी चीजों को करते हुए कम से कम 8 से 9 महीने लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको सैंडमैन सीरीज का सीजन 2 2023 के लास्ट क्वार्टर या फिर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की फोर्थ यानी कि लास्ट अपडेट की तरफ, तो जिसमें मैं बुलेट ट्रेन की VOD रिलीज के साथ साथ इसकी OTT रिलीज डेट को लेकर भी बात करने वाला हूँ। तो बुलेट ट्रेन आपको VOD रिलीज यानी कि प्राइम वीडियो के स्टोर पे या फिर बुक माई शो के स्टोर पे सितंबर के सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगी। और जब कभी भी बुलेट ट्रेन VOD पे रिलीज होती है आपको हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें बुलेट ट्रेन की OTT रिलीज डेट को लेकर, तो बुलेट ट्रेन आपको OTT पे तो नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगी, लेकिन बुलेट ट्रेन को आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अच्छा खासा वेट यानी कि 5 से 6 महीने का करना पड़ेगा, क्योंकि सोनी और नेटफ्लिक्स के डील के अकॉर्डिंग जो कोई भी मूवी सोनी पिक्चर की होगी वो नेटफ्लिक्स पे आपको 5 से 6 महीने के बाद ही देखने को मिलेगी। तो बुलेट ट्रेन भी आपको नेटफ्लिक्स पे 5 से 6 महीने यानी कि नवम्बर या फिर दिसंबर में देखने को मिल सकती है, जो कि अच्छा खासा वेट है इस तरह की अच्छी मूवी के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही कुछ न्यूज और यही कुछ अपडेट थी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी अपडेट या फिर कौन सी न्यूज के लिए एक्साइटेड है। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए मैं चैनल का दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन बाय।